क्या सभी जोन का कट ऑफ इसी तरीके से जिस तरीके से सिकंदराबाद का गया है वैसा ही जाएगा क्या? ये मन में प्रश्न उठ रहा है बहुत सारे लोगों का, जिनका कि अभी कट ऑफ निर्धारित नहीं किया गया है, बहुत सारे जोन का अभी नहीं आया है, बहुत सारे क्या सिर्फ एक ही जोन का अभी तक आया है, और डिफरेंट डिफरेंट नॉन PWD वाले जो कैंडिडेट हैं, CCA वाले या एक्स सर्विसमैन वाले के, उनका जारी हो रहा है। तो क्या जो कट ऑफ है इसी तरीके से जाएगा और इसके पीछे का क्या कारण है वो इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे कि किस तरीके से ये 10-10 नंबर जो बढ़ा है वो क्या पीछे वजह है, और इसी तरीके के कट ऑफ अन्य भी जोनों में जाएगा क्या, वही कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले मैं कंपेरिजन जो देख लूँ कि यहाँ पे जो आपका बढ़ा था 2 नंबर 3 नंबर, उसके बाद OBC का इस तरीके से सबसे बड़ा हल्ला जो मचा हुआ है वो EWS वाले का है। बाकी सबका तो बढ़ना ही था, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा, बढ़ना चाहिए था जितना बढ़ा है। इसके पीछे का कारण हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है। ये तमाम जो आपके जो है वो वैकेंसियाँ हैं, तमाम जोन के जितने भी वैकेंसियां हैं। चलिए, तो अगर हम साउथ सेंट्रल रेलवे की हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हुए थे पास वो कितने हुए थे, 60% पास हुए थे। ठीक है, अब 60% तो अधिकतर जोन में 60% के अराउंड ही पास हुए हैं, एबसेंट वगैरह मिला के हटा देते हैं तो जाके 60 से कोई में 66 गया, कोई में 65 गया, तो इसी के अराउंड गया है आपके अटेंडेंस। और ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे इस तरीके से इस डेट में इतने इतने प्रेजेंट हुए थे, इतने इतने क्वालिफाई हुए, इतने इतने डिसक्वालीफाई हुए थे। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि इतना 10-10 नंबर, 11-11 नंबर EWS का बढ़ेगा क्या और EUR का नहीं बढ़ेगा क्या, 2-3 ही नंबर बढ़ेगा क्या? तो इसके पीछे का देखिए पहले रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि EUR के 3 गुना बुलाए गए थे, लेकिन OBC EWS के जो कैंडिडेट है वो 3 गुना से ज़्यादा बुलाए गए थे। आप जितने भी पेट का जो चीज़ें हैं वो देखिएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो आप देखेंगे कि OBC EWS SC ST और ये सब जो कैंडिडेट हैं उनके बच्चे जितने वैकेंसी थे उससे ज़्यादा बुलाए गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ST में भी कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो कि टॉप करने वाले होंगे, UR में चले गए, उनका कट ऑफ UR में चला गया। SC के बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कि कट ऑफ UR में चला गया, वो तो बुला लिए गए और SC के भी 3 गुना बुला लिए गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि SC वाले 5 गुना 7 गुना और EWS वाले तो तगड़े लेवल पे बुलाए गए थे। कहने का मतलब बुलाना चाहिए 3 लेकिन बुला लिए थे 10। अब इससे क्या हुआ कि जो दौड़ क्वालिफाई किए वो तो अब छटेंगे तो अपने ही लेवल में आएंगे, अब ऊपर से छटेंगे, युवा से छटेंगे तो अपने ही लेवल में आएंगे, तो अपने लेवल में भीड़ बढ़ाएंगे। चूंकि इनकी संख्या काफ़ी है, EWS वाले परसेंटेज ऑफ जो वैकेंसी है 10% ही है, लेकिन अटेंडेंस मुझे लग रहा है UR से भी ज़्यादा है। क्योंकि आप अपने माहौल में ही देखिए ना, जितना भी UR के कैंडिडेट है ना वो अधिकतर EWS में ही आते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ मुझे अभी तक UR कैंडिडेट जो है वो प्योर UR कैंडिडेट मिले ही नहीं है, सब EWS में आ रहे हैं, सब EWS में आ रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, EWS वाले बच्चे UR में तो क्वालिफाई कर गए लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनना चालू हुआ तो अब इनका जो है वो डेटा नीचे चला गया। तो इस वजह से जो है वो EWS का कट ऑफ ज़्यादा गया है, बात समझ में आ रही है, और UR का कट ऑफ कम गया है, कम इन द सेंस कि कम बढ़ा है, आप इस चीज़ को समझिए। चूंकि EWS के नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे, UR में क्वालिफाई कर लिए थे, अब UR में जो सीटें हैं उतना ही आप भरेंगे ना, बाकी तो नीचे ही फेंकेंगे, और जब नीचे फेंकेंगे तो इन सभी का कट ऑफ इंक्रीज होगा। तो ये बेसिकली कारण था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट पेट में अपने कैटेगरी से ज़्यादा ले लेने की वजह से इनको मतलब कि इनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया पेट की अपेक्षा। लेकिन ओवरऑल बात करें तो देखिएगा ये वाला कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, तो ऐसा कट ऑफ गया है जो कि एक्सपेक्टेड है। कहीं भी जाइएगा तो इसी तरह के कट ऑफ दिखेंगे कि UR में देखिए 60 दो नंबर इसमें कम गया, उसके बाद EWS में 7 नंबर कम गया है, उसके बाद इसमें इस EWS के अराउंड गया है। फिर भी अभी EWS का जो है वो कट ऑफ आप समझ सकते हैं SC ST के अराउंड गए हैं,
ठीक है। और एक बच्चे ने सही बोला था कि आप नॉर्मलाइज मार्क्स में भी 51 नंबर नहीं ला रहे हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मतलब कि तगड़े कंपटीशन में जॉब मिलेगी, क्योंकि किसी बच्चे का 48 भी आया होगा उसका भी 51 गया होगा नॉर्मलाइज मार्क्स, किसी का 45 भी आया होगा उसका भी नॉर्मलाइज 51 गया है। तो 100 में 45 नंबर भी अगर नहीं लाते हैं तो आज के दुनिया में जिस तरीके का कंपटीशन है तो आप समझ सकते हैं, नेक टू नेक एमटीएस की देखो तो कितना चला जाता है, 90 से नीचे तो रहता नहीं है। तो ये रीजन है ईडब्ल्यूएस एससीएसटी का जो सडन कट ऑफ इंक्रीज होने का। लेकिन यूआर का जितने भी कट ऑफ आप देखेंगे जितने भी जोन में सबका वही 2.5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर इसी के अराउंड बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये 100% है कि इतना ही के अराउंड आपके बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं जितने भी जोन का अब रिजल्ट आएगा, क्या उसमें भी इसी तरीके के 10 नंबर ईडब्ल्यूएस में बढ़ेंगे? तो अब जिस तरीके से इन्होंने रिजल्ट दिया है वैसा ही आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ, चूँकि आज किसी बच्चे ने मुझे भेजा है, भाई ने ही भेजा था, कि जो सेकंड पैनल आ रहा है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एबसेंट होने हैं, तो उसमें 1.33 नंबर अभी फर्स्ट पैनल में ही डिक्रीज कर दिया गया है। फर्स्ट पैनल में वो भी कौन से लेवल 5 के, जो एनटीपीसी के लेवल 5 में 1.33 जब नंबर डिक्रीज हो रहा है तब जाके नीचे वाले को नंबर दे दिया, मतलब कि बुलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं अभी रिक्रूटमेंट चल ही रहा है और इतना इतना नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो आपके कितने नंबर है? 10 नंबर है। एक एवरेज की हम बात कर ले तो 6 नंबर 7 नंबर मैक्सिमम जाएगा तो जाएगा, 6 नंबर 6 पैनल में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर ये तो आप अपने मुझवानी तरीके से मुंह से बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके 6 6 7 7 नंबर डिक्रीज होगा, तो मैं कल हो सकता है सुबह के जो वीडियो होंगे उसमें आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि फर्स्ट पैनल में ही कम से कम तो 2 से 3 नंबर डिक्रीज होंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पैनल में एक ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कम से कम 200 से 300 लोग फिर से बुलाए जाएंगे। 200 से 300 तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना 500 500 600 600 लोगों को बुलाया जाता है, इतने तरीके से अब्सेंट होते हैं। तो ये तो गारंटी है कि जॉब तो होगी इन बच्चों को, जो ये 41 पॉइंट जो भी हैं, 42 वाले होंगे 45 वाले होंगे, इनको घबराने की बात नहीं है, तसल्ली रखिए इत्मीनान रखिए, आपका कहीं नहीं जा रहा है जॉब, आप तैयारी करते रहिए, 1 साल 1.5 साल में आपका कॉल आ ही जाएगा। भगवान करे इस दरमियान 1 से 1.5 साल में अच्छे जगह पे चले जाए, इतनी तैयारी हो जाए कि आपको खुद अपने आप पे हंसी आ जाए कि हम तो उस समय ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो इंस्पेक्टर बनने लायक हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, जो मैंने बताया है वो होगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास पेशेंस की कमी है जिस तरीके की परिस्थिति आपने झेला है, लेकिन पेशेंस के अलावा कुछ मिल भी नहीं सकता है, आप मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।